जुहेब के लिए चाय बनाने जा रही थी, आप पियेंगे? नहीं नहीं मैं चाय नहीं पीऊँगा। वो मुझे तुम आलू वाले चिप्स बनाना सिखा दोगे? क्या मतलब बनाना सिखा दो? खाने हैं तो बना देती हूँ। नहीं नहीं मुझे खाने नहीं है, मैंने खुद बनाने हैं। खैरियत तो है साजिद साहब, आपने तो कभी किचन में कदम भी नहीं रखा, फिर अचानक आलू वाले चिप्स। हाँ सब खैर है, वो मैं शाहजहान के पास गया था तो उसने मुझे एक प्लान बताया है कि मैं एक ठेला रेडी कुछ लगा लूँ। कुछ मजाक में थोड़ा हो यार, डर लगता है गरम तेल से। अरे मजाक नहीं उड़ा रहे, अब अंदाजा हुआ कि औरतें निडर होकर दिन रात किचन में कैसे काम करती हैं। अपना भी ख्याल रखना पड़ता है खाने के साथ साथ। अच्छा परेशान नहीं हो, मैं मसाला लगा के दे दिया करूंगी, आप तेल गर्म होने के बाद बस उसमें चिप्स डालेंगे और तल लेंगे। और हाँ चम्मच भी चलाना पड़ता है कि चिप्स जल ना जाए। साजिद नहीं है? नहीं भाभी, पहली बार टिककर 3 घंटों तक काम करते हुए देखा है मैंने, स्टॉल पर ही। भाभी एक बात बताऊं, फरियाल बहुत खुश लग रही थी शाहजहान के साथ। हाँ माशाल्लाह दोनों बहुत खुश हैं, मेरी तो दुआ है कि सारी जिंदगी इसी तरह खुश रहे। हाफी मेरा मशवरा है कि तुम भी आगे बढ़ जाओ, शादी कर लो। मुझे भी फरियाल जैसी लड़की मिलेगी ना तो मैं शादी कर लूंगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं मानती हूं कि हर लड़की फरियाल नहीं होती, लेकिन हर बीवी अपने शौहर की वफादार जरूर होती है। जुहेब मैं नहीं चाहती कि फरियाल की जिंदगी में अब कोई और प्रॉब्लम आए और उसकी वजह तुम। ठीक है भाभी, आपको जो लड़की पसंद हो मुझे बता दीजिएगा, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। थैंक यू।